एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इसमें क्या कहता है, डायामीटर ऑफ द सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। डायामीटर जो है सिलेंडर का वो कितना दिया हुआ है हमें, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कौन से सिलेंडर का, ए सिलेंडर का, ठीक है। अगर आप देखोगे बुक में तो ये ए सिलेंडर दिया हुआ है और ये वाला हमें बी सिलेंडर दिया हुआ, ठीक है। तो ए सिलेंडर के जो हमारे पास डायामीटर है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, और हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर, क्लियर। और डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी कितनी दी हुई है हमें, 14 सेंटीमीटर दी हुई है, और हाइट कितनी दी हुई है इसकी, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। कहता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन ना करो, कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है ये, ठीक है, कि क्या आप बिना कैलकुलेशन किए इसका वॉल्यूम बता सकते हो। देखो देखने में आप यहाँ पर देखो, ये इसका नीचे बेस क्या है, छोटा है, और इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, और इसमें अगर आप देखो क्या है, बेस ज़्यादा है और हाइट क्या है इसकी, छोटी है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमें कि किसका बताएं हम कि वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेस्ट कैलकुलेशन ही करेंगे, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं, अब आगे ये कह रहा है कि वेरीफाई करो, मान लो आपने कुछ भी अज्यूम कर लिया, मान लो आपको लगा कि ये वाला में वॉल्यूम क्या है इसका, ज़्यादा होगा, ऐसे सोच लो बस, ठीक है। फिर वेरीफाई करो, कह रहा है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर। अब वेरीफाई करो, इन दोनों का सिलेंडर निकालो और देख लो जो आपने सोचा क्या वो सही था, और बताना भी है कि किसका ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, कह रहा है ये भी चेक करो कि जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर है। यानी कि बेसिकली बात क्या है, इसमें वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, दोनों का इनका, और फिर सरफेस एरिया भी निकालना, और बता देना किसका वॉल्यूम ज़्यादा है किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सीधी सी बात तो ये है बस, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो इसमें हम सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकालते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, और दोनों के फॉर्मूले तो आपको पता ही है क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का फॉर्मूला, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। लेकिन आर और एच अलग अलग हैं, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। वैसे दिखाई दे रहा है ये आपको क्वेश्चन, बिल्कुल ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो कितनी है, 22/7 है, और आर कितना है। देखो अगर आप यहाँ पर देखो सिलेंडर ए में जिसकी डायामीटर है वो कितनी दी हुई है हमें, 7 सेंटीमीटर दी हुई है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ मैं दो बार 7/2 लिख दूँ क्योंकि आर स्क्वायर है, और इसकी हाइट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 14 दी हुई है, ठीक है। बात देखो अब इसको कैसे करना है, 7 से ये 7 गया, और 2 से हम ये कट कर देते हैं, 2 11 हो गया ये, और 2 ये हो गया आपके पास 7, ठीक है। तो देखो 7 7 का कितना हो गया, 49 × 11 करना है हमें, 49 × 11 जब आप करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा, 9 और ये 4 13 और ये 5। आप कहोगे ये कैसे किया, देखो इसका तरीका क्या होता है, कोई भी टर्म जो 11 से मल्टीप्लाई होती है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ कैसे। देखो ये नंबर पहले 49 ही आएगा, और फिर अगले ये करते हो आप फिर 49 आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 49 और यहाँ 49, 539 आ गया। जैसे मान लो कोई और नंबर ले लो, जैसे मान लो 73 को करना है 11 से, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा 7 3 7 3 3 10 और ये 8, इस तरीके से, समझ रहे हो। नहीं तो आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ 11 से करोगे ये 73 फिर ये 73, बात समझ रहे हो, इस तरीके से बहुत ईजी होता है ये सब, ठीक। तो यहाँ पर मतलब हमारे पास आ गया 539। अब इसका यूनिट बता दो ज़रा, क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्यूब में होते हैं हमेशा, किस में होते हैं, क्यूब में। तो ये किस में था सारा, सेंटीमीटर में, तो यहाँ लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना वॉल्यूम में क्यूब चलता है, और जो सरफेस एरिया होते हैं उनमें स्क्वायर चलता है। तो जब हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो वहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी भी निकाल देते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी में अगर हम देखें, पाई तो हो गया 22/7, आर कितना है इसमें, देखो इसमें जो डायामीटर है वो कितनी दी हुई है हमें, 14, तो आर कितनी हो जाएगी इसमें, 14/2 दैट इज 7 हो जाएगी, ठीक है। तो हम 2 × 7 को लिख देंगे, और हाइट हो गई ये भी 7, क्लियर है इतनी बार, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 7 से ये 7 एक आपका कट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये कितना बचा, 22 × 49 बचा, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो 49 को 22 से करो, 98 हो गया ये, और ये भी 98 हो गया, क्लियर है। तो ये 8 और 9 और 8 कितना हो गया आपके पास, 17, और ये 10 हो गया, 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ गया जी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है बताओ ज़रा, ए का वॉल्यूम है ये, और बी का वॉल्यूम है ये। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो ना, जो आपने सोचा क्या वो वही सही आया है, ठीक है। जैसे हमने तो सोचा था कि इसी का ज़्यादा है, मान लो तो इसी का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये लिखना कुछ नहीं है, बस इसमें लिख दो इस तरीके से
यहाँ पर लिख देते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ बी सिलेंडर इज ग्रेटर, बस ये लाइन लिख दी हमने, ठीक है बात इतनी, बताओ आया समझ में, दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया की भी, उसने बात करी थी तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम इसका। तो सरफेस एरिया में कंफ्यूज नहीं होना, जब यहाँ पर आपको कुछ नहीं बताया कि कौन सा निकालना है टोटल या कर्व, तो जब सिंपल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो हम कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे यहाँ पर, बताओ जल्दी से बताओ, शाबाश, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो क्या होता है हमारे पास, 2πr r + h। तो इसमें हम सरफेस एरिया ऑफ किसका निकाल रहे हैं, हम सिलेंडर ए का निकाल रहे हैं इधर, ठीक है जी। तो देखो 2 × π कितना है, 22/7 है, दिखाई भी दे रहा है ये, ठीक है। और जो हमारे पास इसमें r है वो कितना था, a में r देखो कितना था, 7/2 था, तो ये 7/2 हो गया, और यहाँ भी 7/2, और प्लस में h कितना था इसके अंदर हमारे पास, 14 था, ठीक है। देखो ये 7 से 7 गया, ये 2 से 2 गया, बाहर आ गया, यहाँ बाहर मतलब जो बचा हुआ 22 बचा हुआ है, यहाँ अंदर क्या करो इसमें LCM ले दो, 2 LCM ले लिया हमने, तो इधर 7 आएगा और ये 14 2 था कितना हो गया, 28 हो गया। तो 22 × 28 7 ऐड करोगे आप जब, तो आपके पास आएगा 35 और ये बाय 2 आ गया, 2 11, ठीक है। अब 35 को 11 से करना है तो बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया हुआ है आपको, 35 यहाँ रखो, 35 यहाँ कितना आ गया आपके पास, ये 385 cm² लिखेंगे जी अब, क्योंकि ये सरफेस एरिया की बात थी, ठीक है जी। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का हम निकाल रहे थे यहाँ पर, और जो हमारे पास आया है कितना, 385 cm², ठीक है। अब यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी निकाल देते हैं, इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, 2πr r + h। फर्क क्या रहेगा यहाँ पर, r चेंज हो जाएगा, h चेंज हो जाएगा। इसका r कितना था हमारे पास, देखो 7 था, तो ये 7 और ये 7, और इसकी हाइट भी कितनी आ गई थी, 7 ही थी हमारे पास, ठीक है। तो ये 7 से ये 7, ये 44, और 7 कितना होता है, 14। तो 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये रफ वर्क चल रहा था, ठीक है। अब 44 को 14 से करना है तो 14 से कर लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास देखो 6 7 4 कितना हो गया, 11, और ये 6 कितना आ गया आपके पास, ये 616 cm². तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था, बी का वॉल्यूम ज़्यादा था ए से, और टोटल सरफेस एरिया भी किसका ज़्यादा है, जल्दी से बताओ टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी बी का ही ज़्यादा था, और सरफेस एरिया देखो ए का इतना आया है और बी का इतना आया है, समझ रहे हो। तो यानी कि हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी बी इज ग्रेटर, क्लियर है जी, समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। तो करना क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, वॉल्यूम निकालने थे और सरफेस एरिया निकालने थे, सरफेस एरिया में कंफ्यूज नहीं होना, टोटल सरफेस एरिया निकालना था। फॉर्मूले याद हैं तो बहुत ईजी है आपके लिए करना, ठीक है। यूनिट्स याद रखना, वॉल्यूम में क्यूब चलता है, सेंटीमीटर क्यूब, और सरफेस एरिया में स्क्वेयर चलते हैं, ठीक है, चाहे वो टोटल हो चाहे वो कर्व्ड हो आपके पास, क्लियर है इतनी बात। और एक चीज़ इसमें आपको क्या याद रखनी है कि अगर मीटर में होते हैं सब चीज़ें, ठीक है, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में आता और सरफेस एरिया मीटर स्क्वेयर में आता, बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को। ओके जी, थैंक यू।